हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्न हब। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक फंक्शन बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले मैंने एक दो क्वेश्चन इम्प्लिक फंक्शन पे उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बता चुका हूं। तो आइए एक क्वेश्चन आज फिर सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक फंक्शन का। वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, देन हम लोगों को फाइंड करना था फाइंड dy by dx। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवेन हम लोगों को जो फंक्शन दिया हुआ है, गिवेन y इज इक्वल टू टेन x प्लस वाई, तो इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं और इसको फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं dx के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू टेन, अगर टेन एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे तो ये हो जाता है sec स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ एक्स का जगह हम लोग एक्स प्लस वाई अगर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसके बाद डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स डी एक्स, ये वन हो जाता था तो सिर्फ sec स्क्वायर एक्स बचता है। तो यहाँ पर हम लोगों को अब फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू x का वन और y का dy वाई बाई डी एक्स। यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डिफरेंशिएट इसको जब करेंगे x का रिस्पेक्ट में तो ये इसको ऐसे कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस वाई बाय डी एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में कर दिए, क्योंकि हम लोगों को करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x प्लस वाई को x के रिस्पेक्ट में। तो ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, और फिर ये हो जाएगा 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस dy वाई बाई डी एक्स। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को sec स्क्वायर x प्लस वाई, और फिर इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं dy वाला टर्म को, ये जो डिफरेंशिएट dy बाय dx वाला टर्म यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको एक साइड कर लेते हैं। तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेते आते हैं इस वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा dy बाय dx माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई, और फिर dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज अब यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई, और ये dy वाई बाई डी एक्स को हम लोगों ने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई। एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा का जगह x प्लस वाई है, तो हम लोग इसको 1 प्लस tan स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर sec स्क्वायर थीटा x प्लस वाई को अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो फिर ये sec स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग 1 प्लस tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस वाई, और ये dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसको फिर हम लोग tan के फॉर्म में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये सॉरी प्लस होगा यहाँ पे 1 प्लस, तो ये माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर x प्लस वाई
डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वन में हम लोग ने इसको पुट किया 10x+y का वैल्यू y के इक्वल, तो यहाँ से हम लोग ये स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों को बचा और इसका वैल्यू फिर हम लोग वाई पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। तो ये माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर बाय, सॉरी इसको अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस साइड लाएंगे तब बाय करेंगे, डिवाइड में इसको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर बाय माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू निकल गया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें कि हम लोगों को डी एक्स बाय सॉरी डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।